बच्चों के लिए मैदान और बुजुर्गों के लिए मकान, ये तो हम में से हर किसी का सपना होता है और हम सब चाहते हैं कि हमारा ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो। लेकिन हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए जो अफसर रात दिन मेहनत करते हैं, क्या वो अपने परिवार को, अपने घर को समय देकर उनके सपनों को संजो पाते हैं? यही जानने के लिए हम सीधे पहुंचे हैं एनआईटी सभापति डॉक्टर प्रवीण दराड़े जी के पास और जानेंगे मिसेस दराड़े से इस मेड फॉर इच अदर कपल के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम कपल मेड फॉर इच अदर कपल में। तो जब हम बात कर रहे हैं मेड फॉर इच अदर की, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये कपल कैसे बना, मतलब लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मुझे लगता है लव कम अरेंज्ड है, दोनों ही एलिमेंट्स है उसमें। पहले लव यस, फिर अरेंज्ड। एंड वी मेट व्हेन ही वाज प्रोबेशनर हियर, आई वाज आल्सो पोस्टेड हियर इन नागपुर, सो देन वी फर्स्ट मेट, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। And then I was transferred to Pune. He was also in Mumbai. So then we met and decided that we should marry. तब शादी करनी है। कौन सी बात सर की ऐसी थी जो आपको क्लिक कर गई? I think the whole person clicked. I would say सर पूरा ही I like ये नहीं। He's a good person. He's very simple, very sincere, and very genuine, caring person. इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, दिस इज द, मतलब एक वाइफ को जो चाहिए कंप्लीट पैकेज। बिल्कुल सर, आपसे भी पूछना चाहूँगी कि मैम ने अभी उनके बारे में बताया, बट आपका कैसा एक्सपीरियंस था? क्या नहीं, मेरा भी एक्सपीरियंस यही है कि मुझे जब पल्लवी ने प्रपोज किया तो मेरे लिए भी शॉक था, बट आई थॉट कि आई विल नॉट गेट अ लाइफ पार्टनर हु लव्स मी, so I married for love. What is important in life is love is very important. You should marry for love. That is my message for a life partner. And मुझे लगता है कि पल्लवी इतना प्यार मुझे कोई और औरत नहीं कर सकती थी, और इसीलिए मैंने पल्लवी से प्यार किया, and this is still continuing after so many years. The same love story is continuing. I am really very lucky. I thought कि that will last for few years initials, but thankfully it is not the case. Even after the children and after our very heavy hectic also, the same story is continuing. ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है आपकी लाइफ का, क्योंकि इतना हेक्टिक शेड्यूल आप दोनों का है, दोनों बीइंग इनटू मतलब सर्विसेज। तो सर, लेकिन एक बात पूछना चाहूँगी, जैसे मैम ने अभी कहा कि शी वॉज इन लव विथ यू पहले से, पर कहीं भी आपको ऐसा एक अंदाज़ा भी नहीं आया कि ऐसा कुछ प्रपोजल आपके पास आ सकता है? ऐसा अंदाज़ा हम दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है, ही इज़ ऑल्सो इन इनकम टैक्स सर्विस, सुरेश सौरे, वो ऑफिशियल प्रपोजल लेके आया था, मैंने उसको बताया था कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, शी इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो इनिशियली एब्सोल्युटली नॉट, कोई शादी करने का कोई इरादा नहीं था, और मुझे ये भी पता नहीं था कि वो मुझसे प्यार करती है। पर आपको थोड़ा शॉक लगा होगा जब सर ने पहले रिजेक्ट किया था ऐसा कोई इरादा? नहीं, मैंने हार नहीं मानी। That is good. Women empowerment जो है वो इसी पर चलती है कि हार नहीं माननी है। तो एक और चीज़ है जिसमें आई होप कि आप हार नहीं मानेंगे, एक हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जिसमें हमने आपसे पहले ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा लिए हैं, ये हम सॉर्ट ऑफ रैपिड फायर लेंगे इसको। आपके बारे में कुछ चीज़ें सर ने हमें बताई है और सर के बारे में आपने, अनजाने में दोनों का डिस्कशन हुआ, तो लेट्स सी कि अब कौन किसके बारे में कितना जानता है। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपका पसंदीदा हीरो कौन है? रणबीर कपूर है सर। रॉन्ग है। मतलब आप जहाँ जहाँ चांस मिलता है आपको समाने के, आपने लेटेस्ट पूछा है। अच्छा, ऐसा ऑल टाइम इज स्टिल अभिषेक बच्चन।
अब आपने कहा है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। He is correct in that manner. Latest वाला मैंने बताया। नहीं, that is why हमने जो कहा था पहले कि डिस्कस नहीं करना है वो इसीलिए क्योंकि ये करेक्ट आंसर्स ही आते थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, आपका फेवरेट कलर? मेरा फेवरेट कलर पीकॉक है, पीकॉक कलर है। Peacock like green, yeah. Peacock blue, Peacock green. और कुछ? Your favorite food? I like non veg, chicken, but mutton, whatever. Chicken, mutton. Yeah, correct. Then आपका favorite holiday destination? Actually, anywhere with them. Anywhere with family. With family, yes. हाँ, वैसे time कम मिलता है family के साथ, तो anywhere. Right. आपका favorite time pass? I like to listen to music. I like to watch movies. बच्चों के साथ खेलना, anything, you know. मतलब ठीक है, आपका ध्यान सर पे पहले से ही था, लेकिन जब सर ने ध्यान देना शुरू किया तो आई थिंक कि उन्होंने काफी माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है, उनके काफी आंसर्स करेक्ट हैं। नाउ सर, इट्स योर टर्न। योर फेवरेट हीरोइन? माय फेवरेट हीरोइन इज ऐश्वर्या राय। आई थॉट पल्लवी दराड। पल्लवी दराड इज माय वाइफ, फेवरेट लाइफ पार्टनर। Favorite time pass playing with my son, spending some time with family. Ma'am is 100% right. Full study किया हुआ मैम ने, इसलिए बिल्कुल आपके आंसर से पता चला। इसीलिए तो मैं पहले तैयार नहीं था, फिर भी शादी के लिए तैयार हो गया। That is the beauty of it. देखो, इनका जजमेंट ज्यादा सही था, इसका मतलब। एक ऐसी वाइफ जो हर चीज पर ध्यान रखे, इतनी हेवी सर्विसेज में हो के भी, मतलब मानना पड़ेगा। सर ने अपनी मैम को इतना अच्छा क्रेडिट दिया है, जाहिर है मैम भी उसी लायक है। उन्होंने भी सर को इतना स्टडी किया, इतना ध्यान रखती है अपनी सर्विसेज के साथ, अपनी फैमिली के साथ। लेकिन सर में एक और टैलेंट छिपा हुआ है जो हम आपके सामने लाएंगे, आपसे रूबरू कराएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हैं वैलेंटाइंस डे स्पेशल मेड फॉर ईच अदर कपल, डॉक्टर प्रवीण दराड़े एंड मिसेस दराड़े के साथ में। ब्रेक में जाने से पहले आपने देखा कि एक दूसरे के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इन दोनों की। लेकिन मैंने जैसे कहा था ब्रेक में जाने से पहले कि एक और टैलेंट छिपा है सर के अंदर, तो देखते हैं कि क्या है वो खास टैलेंट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। सर, आपकी बातों में आपने बताया कि आपकी लव मैरिज है। मैं पूछना चाहूंगी कि आपने किसने किसको प्रपोज किया था? नहीं, हमारी लव अरेंज मैरिज है। हम दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है, वो पल्लवी का रिलेटिव भी है, ही इज आल्सो इन इनकम टैक्स सर्विस। वो मेरे पास पल्लवी का प्रपोजल लेके आया था। आई वाज प्रोबेशनर इन नागपुर, आई वाज अंडरगोइंग माय ट्रेनिंग, तो वी न्यू ईच अदर एट दैट टाइम आल्सो। मैंने बोला कि आई नो पल्लवी, बट पल्लवी के साथ शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो he tried to convince me how good Pallavi is, but I was firm on my decision. So that message went to Pallavi and Pallavi's home. I don't know what happened at her home. She can tell you in a much better way. मतलब आपने propose किया था सर कुछ? हाँ, that was a suggestion by the friend कि why not, you know, because I was also service में थी, he was also there, and he asked me कि why don't you think कि इस तरह से। I said ठीक है, I like him as a person. You can ask that way. So that was the first thing, but then it didn't materialize. When I got transferred to Pune, then we were in touch. Of course, we were friends. And when Pune gaye, tab he had come over to help me out because I was getting transferred. Sara saman ye wo shift ho raha tha. And then I thought ki nahi. Pehle to unhone puchna tha, isliye puch liya tha. Then it was not so this thing. But tab mujhe khud ko laga ki nahi, this is the person.
दिस इज़ द पर्सन आई वॉन्ट टू मैरी. एंड तब मैंने इनको बोला कि नहीं, मैं शादी करूँगी तो आई गेट मैरिड टू यू. सो अब हम देखना चाहेंगे कि आपने कैसे प्रपोज किया था सर को. अब एक बार कर दिया हो गया. अगर हम नहीं थे ना मैम तब तो हम भी उस मेमोरेबल मोमेंट का ही हिस्सा बनना चाहेंगे. तो मैं बोलूँ अभी हाँ प्रवीण विल यू मैरी मी अगेन. सर आपका जवाब क्या है? नहीं, मैंने उसको बोला कि आई विल टेक सम टाइम अगेन अगेन. मतलब उल्टा हो गया था कि केस में जनरली लड़कियां बोलती कि हाँ आई विल टेक सम टाइम. लेकिन सर लेकिन आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपको मौका मिलता मैम को प्रपोज करने का तो आप कैसे प्रपोज करते? बस उसको उसके घर जाके उसके मदर और फादर के सामने उसको पूछ लेता था कि वुड यू लाइक टू मैरी मी. ग्रेट. और अब जब आपकी शादी हो चुकी है व्हेन यू हैव गॉट मैरिड तो कभी ना कभी एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ऐसा आता है कि मैडम रूठते होंगे कभी ना कभी, तो आप कैसे मनाते हैं ये हम देखना चाहेंगे. वो ज़्यादा देर तक रूठती नहीं है वो सबसे बड़ी बात है. बिकॉज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैरिंग मी वॉज हर चॉइस एंड आई थॉट कि मुझे इतना प्यार करने वाली लाइफ पार्टनर मुझे इस लाइफ में नहीं मिलेगी. तो आई ऑल्सो गॉट कन्विंस्ड आफ्टर सम टाइम. आई टुक टाइम बट आई गॉट कन्विंस्ड कि आई विल नॉट गेट अ बेटर पार्टनर देन पल्लवी. सो आई मैरिड हर. आई मैरिड फॉर लव एंड दैट लव स्टोरी इज कंटिन्यूइंग टिल टुडे. थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है वो ऐसे थोड़ा बहुत बैग वगैरह भरने का नाटक करके वो बैग खींच लिया तो वो रुक जाती है. तो उसको पकड़ के हाथ से दिखा लिया तो बस खत्म हो जाता है. अब जाएगी भी तो कहाँ उसका घर भी यहाँ है मैं भी यही रहता हूँ. वो बगल में खामला में रहती है तो खामला में जाएगी भी तो कहाँ. इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? She doesn't have any choice without me now. She cannot stay without me now after such a long period staying together. सच्चा प्यार जो है वो आप दोनों के बीच में हम अभी देख रहे हैं और हम प्रे करते हैं कि आपका ये प्यार ऐसे ही बरकरार रहे आगे. अभी जब हम लोग इतना अच्छा मोमेंट शेयर कर रहे हैं इतनी अच्छी मेमोरीज आपके साथ तो मैं जानना चाहूँगी आप दोनों से कि आप दोनों सर्विसेज में हैं, इतना सीरियस वर्क आपका होता है, इतना वर्कलोड होता है, इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, लेकिन ऐसी कोई मेमोरेबल मोमेंट आपकी पर्सनल जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहेंगे? मुझे लगता है द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स वर आवर चिल्ड्रन व्हेन दे वर बॉर्न. माय फर्स्ट डॉटर व्हेन शी वाज बॉर्न इट वाज लाइक डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हैं. एंड it was quite a difficult delivery for me. Okay. So coming out of it and with a child. So वो ही moments मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ. वो मुझे लगता है सबसे important रहा. सर आप मुझे लगता है कि when our second son was born and when he became nearly 1 year and we were not here, we had gone on a holiday for Bangkok. And he started speaking at that time and he was talking to us on phone. So that was really something amazing. And he started talking first mama and so. Achha, matlab aap Bangkok mein the aur baby yahi was tha. Yeah, yahi tha. Okay. He had gone only for 2-3 days. 5 days. He was with our mother-in-law. So he started talking. That was also a very good and memorable. For the first time he said mama. Oh. We were not there, so we like ऐसे कैसे हुआ कि हम लोग 5 दिन नहीं थे. और obviously first daughter birth and son birth was a memorable, no doubt about it. Then again our marriage was also memorable. After a long time, I got convinced and I said as usual I got married for love. So what is important in life is one should marry for love only and one should stay together for love. If you are not happy, if you don't love your partner, there is no point in carrying that relationship. So the most important part is love in your life. And if, unless and until you love your life partner, I think you cannot perform your duties also to the fullest extent. You cannot reach your potential, whatever potential you have in you.
I think so that is very important, since we are both of us are happy at home. That's why we could concentrate outside in our job also. After such a hectic schedule also, we are happy after coming at home also at after 8 o'clock also even. That is very important in life. एक बहुत अच्छे नोट पे आज हमारी चर्चा हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि सर ने अभी जो बात कही कि आपका सच्चा प्यार आपके लाइफ पार्टनर के साथ होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इसी पॉइंट पर हमारी चर्चा अब हम यहीं ख़त्म करते हैं, और UCN परिवार की तरफ से हम बेस्ट विशेस देते हैं आप दोनों को, और हम दुआ करते हैं कि आपका ये प्यार आगे भी ऐसे ही बरकरार रहे और आप दोनों ऐसे ही कामयाब होते रहे और आपके साथ सब अच्छा ही होता रहे। आप तीनों के लिए निराली की तरफ से ये चॉकलेट बुके, थैंक यू और आपके वैलेंटाइन के लिए बेलिजा की तरफ से ये वाउचर्स, थैंक यू।